नमस्कार, रत्नागिरी वन पाहत राहण्यासाठी सबस्क्राइब करा आणि बेल वर क्लिक करा व पाहत रहा आमचे नवीन व्हिडिओ। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क किंवा जे मर्चंट बेस आहे त्यांच्यासाठी सुविधा किंवा त्यांचे काही टेक्निकल इश्यू असतील किंवा या सगळ्या गोष्टींसाठी आपण ही स्वतः आपण एक शाखा ओपन केलेली आहे, जेणेकरून त्याची विजिबिलिटी होईल, लोकांना अवगत होईल की आपण इकडे आहोत, अवेलेबल आहोत। आणि या दृष्टीनेही आपण शाखा ओपन केलेली आहे। टेक्निकल गोष्टी काही इश्यूज असतात त्या आपण त्यासाठी कस्टमर सर्व्हिस सेंटर्स किंवा रिलेशनशिप ऑफिसर्स तिथे स्वतः बसतील आणि त्याचे हे करतील। उद्देश मानस असाच आहे, फिनो हमेशा म्हणून आपण छोट्या छोट्या गावांमध्ये आणि छोट्या छोट्या शहरांमध्ये पोहोचण्याचा आपला मानस आहे। फिनो पेमेंट्स बँकचे 2017 में जब से हमने बैंक शुरू किया, 3 साल में हमारे भारतवर्ष में करीब 3 लाख से अधिक मर्चेंट भाई और डिस्ट्रीब्यूटर्स हमारे साथ काम कर रहे हैं। आरबीआई ने जब लाइसेंस दिया था तो उनका मैंडेटरी रिक्वायरमेंट थी कि 25% जितने भी ऐसे पॉइंट्स होंगे वो गांव में होंगे, Tier 4, 5, 6 में होंगे। हमें ये बताते हुए बहुत खुशी होती कि हमारे 70% जो हमारे मर्चेंट भाई लोग हैं ये लोग गांव में Tier 4, 5, 6 में काम कर रहे हैं। और फिनो हमेशा के साथ हमारा जो उद्देश्य है गली गली फिनो, जो हम लास्ट ईयर तक हम कोशिश कर रहे थे कि हम हर गांव तक पहुंचे। और जो बैंक की जरूरत होती है, जो आज की डेट में हम बैंक देखते हैं 10 से 2, 10 से 3, 10 से 4, फिनो हमेशा के साथ हमारा प्रयास है कि आपके बगल की दुकान जितने बजे भी खुलती है वो 8 बजे खुलती है या रात को 8 बजे तक रहती है, 9 बजे तक रहती है, बैंकिंग आवर्स आपकी दुकान के साथ मैच करे। फिर चाहे आपको खाता खोलने हो, कहीं भी देश में पैसा भेजना हो, जमा करना हो, विड्रॉल करना हो आधार के थ्रू, किसी भी बैंक का एटीएम कार्ड है आपके पास, रुपए, मास्टर, वीजा, ये छोटे छोटे बीमा पॉलिसीज, बिल पेमेंट, रिचार्ज, ये सारी सुविधाएं एक बैंकिंग पॉइंट पे उपलब्ध होंगी। तो ये हमारी कोशिश है जो हम लगातार आप लोगों के साथ मिलके गांव गांव में कोशिश कर रहे हैं कि फिनो हमेशा सबके लिए अवेलेबल रहे। एक बैंकिंग क्रांति आई थी पहले जब एटीएम इंडिया में आया था, जब एक्सपेंशन शुरू हुआ था करीब 2000 के आसपास, और अब हमें लगता है कि ये बैंक मित्र कस्टमर सर्विस पॉइंट का जो प्रयास है ये एक अलग लेवल पे बैंकिंग को लेके जा रहा है। लोगों को फाइनेंशियल इंक्लूजन के साथ और लोगों को बैंकिंग के पास लेके आ रहा है। तो बैंकिंग की जो एक गैप क्रिएट हो गया था वो काफी हद तक अब बैंक मित्र के जरिए दूर होने का प्रयास कर रहे हैं। और आगे भी हम कोशिश करेंगे कि अगले 2 साल में ये जो 3 लाख का नंबर है ये करीब 6 लाख, 6.5 लाख तक पहुंच जाए। पढ़ा लिखा होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए, उसके बाद ही हम ऐसा कुछ काम शुरू कर सकते हैं। हमारी कोशिश ये रहती है कि कम से कम इन्वेस्टमेंट में, करीब 10,000 की के टोटल इन्वेस्टमेंट में एक कोई भी शॉपिंग शॉप मॉडल में दुकान बेसिक डिवाइस लेके अपनी दुकान को एक बैंकिंग प्वाइंट में कन्वर्ट कर सकता है, ताकि उसके जो ग्राहक हैं वॉक इन होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, तो उसका खुद का बिजनेस भी इंक्रीज होता है और साथ में आसपास के लोगों के रूप में वो एक लोकल बैंकर के रूप में भी इस्टेब्लिश हो जाता है। तो समाज सेवा के साथ साथ उसका खुद का जो बिजनेस है वो भी इम्प्रूव होता है और एक अलग से जो पे आउट मिलता है वो एक अलग से मिलता है। तो बड़ा अच्छा ओवरऑल मॉडल है जो हम कोशिश कर रहे हैं कि ये गांव गांव तक पहुंचे। टेक्नोलॉजी
बऱ्याच ठिकाणी काय असे डेबिट कार्ड्स गावामध्ये नसतात किंवा ज्यांचे जे आपले जे सरकारच्या काही योजना आलेल्या असतात त्या सरकारच्या योजना आधार वरतीच एनेबल्ड असतात, त्यामुळे आधार कार्ड वरतीच त्यांना त्या सरकारच्या योजना मिळतात आणि ह्या सगळ्या गोष्टींचा डोक्यामध्ये सगळ्या गोष्टी ठेवून आम्ही आधार कार्ड पेमेंट ह्याला, कारण खेडेगावामध्ये आपला अंगुठा दिला आणि जर पेमेंट काढणं ह्या सगळ्या गोष्टी होतात, म्हणून आता आपण जो डेमो घेणार आहे म्हणजे आपलं डेबिट कार्ड हे आहे, आपण प्रत्येक वेळी डेबिट कार्डचा डेमो देतो, परंतु आता आपण एक डेमो घेणार की आपण तो आधार कार्ड वरती एनेबल्ड करेल आणि आधार कार्ड वरून तो पैसे काढेल आणि छोट्या छोट्या गावांमध्ये आधार जे काही सरकारच्या योजनांचा तो त्या कस्टमरला लाभ मिळेल, लाभार्थी म्हणून जे आपण आहे टॅगलाईन त्याच्यासाठी बँकिंग सेवा कशी त्यांना मदत करत असेल त्याच्यासाठी हा डेमो आहे, धनंजय आहे, ठीक आहे, आणि ह्या आधार कार्ड वरून आपण त्यांच्या खात्यातले पैसे त्यांना काढून आपण देणार आहोत, ठीक आहे, हा ₹100 डेमो घ्या करून काय असतं की आपल्याला एका गावामध्ये सपोज आपल्याला बँकिंग सुविधा द्यायची आहे, ठीक आहे, आणि त्या बँकिंग सुविधासाठी जर मग आपण म्हटलं की बाबा मला एक बँकिंग सुविधा द्यायची आहे किंवा मला एक बँकिंग आउटलेट बनवायचं आहे, तर मग मी किती रुपये मला इन्व्हेस्टमेंट आहे किंवा मला काय पूर्ण एक ब्रांच बनवावी लागेल किंवा मला पूर्ण इन्फ्रास्ट्रक्चर लागेल, तर त्याच्यासाठी इन्फ्रास्ट्रक्चरची गरज नाही, त्याचं किराणाचं दुकान आहे किंवा त्याचं छोटस दुकान आहे, ठीक आहे, तर त्या दुकानासाठी पण तो ते आधार कार्ड एनेबल्ड वरून तो पैसे काढू शकतो किंवा एक आमची ही डब्ल्यू पॉस मशीन आहे किंवा त्याने त्या स्वतःच्या मोबाईलवरून, आता जर आपण बघितलं असेल जे आपण जे डेमो घेतला त्याच्यामध्ये काहीच नाही, एक त्याचा मोबाईल लागलेला आहे आणि एक हे एक आपल्याला हे ऑथेंटिकवालं बायोआर्ट लागलेलं आहे, ठीक आहे, म्हणजे त्याला मोठा मोठा त्या दुकानामधून जर त्याचा बिझनेस किंवा बँकिंग आउटलेट किंवा बँकिंगची सुविधा त्याला जर सुरू करायची असेल तर त्याला फक्त एवढ्याच गोष्टी लागतात, हे पिनपॅड, त्याच्यानंतर हा डब्ल्यू पॉस, म्हणजे मिनिमम इन्व्हेस्टमेंट मध्ये तो बँकिंगची सुविधा त्या गावातल्या लोकांना देऊ शकतो आणि त्याचं एक बँकिंग आउटलेट होऊ शकतं, प्लस आपण बँक म्हटलं की त्याचं चालू खातं किंवा बचत खातं येतं, चालू खातं आणि बचत खात्यासाठी आपण इन्स्टंट त्याला आधार कार्ड एनेबल्ड वरून एक आपण डेबिट कार्ड किंवा क्रेडिट डेबिट कार्ड आपण त्याला इमिडिएट एक 10 मिनिटांमध्ये आपण त्याला डेबिट कार्ड देऊ शकतो, सरांचे आपण ₹100 एईपीएसने विड्रॉ केले त्यांचे पैसे तो कस्टमर आपल्या स्वतःच्या गल्ल्यातून त्यांना देऊ शकतो, सर आपला पैसा आपण, त्याच्या व्यतिरिक्त जर तुम्हाला काय प्रश्न असतील किंवा अजून नॉर्मली जो एटीएम मशीन होती हमने देखी है, एटीएम मशीन में नीचे वॉल्ट होता है, सामने स्क्रीन होती है और कीपैड होता है, तो हमने क्या किया कि वो जो स्क्रीन है वो ये आपकी मोबाइल की स्क्रीन, टैबलेट की स्क्रीन, डेस्कटॉप, लैपटॉप, जो भी आपके पास हार्डवेयर डिवाइस है वो आप यूज कर सकते हैं, और इसके साथ में ये हो गया आपका टच पैड,
जहाँ पे आप इसमें आप कार्ड स्वाइपिंग कर सकते हैं और इसमें एक स्लॉट होता है जहाँ पे आप ऐसे अंदर डाल के आप इसको, तो ये आपके लिए स्वाइपिंग मशीन हो गई और आपकी जो तिजोरी होती है आपका गल्ला जो दुकान का होता है वो आपका वॉल्ट हो गया। तो एक इतने बड़े आउटलेट की जगह आपको सिर्फ ये और ये मोबाइल के साथ मिलके आपकी एटीएम मशीन हो जाती है। इसी को हमने इंटीग्रेटेड रूप में भी कोशिश की है जहां पे आपका बायोआथ के साथ पिन पैड और ये स्वाइपिंग मशीन यहां पे ही हो जाती है। तो ये इंटीग्रेटेड डिवाइस भी है, तो बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शन है जहां पे एक छोटे निवेश के साथ साथ आपकी दुकान एक बैंक ब्रांच में कन्वर्ट हो सकती है। और इस टाइप के जो आउटलेट्स है कस्टमर के साथ साथ हमारे मर्चेंट भाइयों के लिए स्पेशली है ताकि लोकल मार्केट में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो कॉल सेंटर है ये जो सातों दिन काम करता है, हमारी पूरी टीम है, साथ में लोकल टीम यहाँ पे से भी ऑपरेट करेगी ताकि लोकल लेवल पे यहाँ से 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर तक जो भी मर्चेंट्स हैं उनको यहाँ से उनको सर्विसेज मिल सके। ये हमारा डेबिट कार्ड, ये डेबिट कार्ड है फिनो पेमेंट्स बैंक का, ये सेविंग्स अकाउंट की किट होती है। अलग अलग ऑप्शन अवेलेबल होते हैं जो जितना इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अपने अपने मॉडल चुन सकता है। हमारे मेन स्टेक होल्डर भी हैं, उनकी बैंक है एक रूप से देखा जाए तो भारत पेट्रोलियम के जितने भी पेट्रोल पंप का नेटवर्क है ऑल ओवर इंडिया, धीरे धीरे हम कोशिश कर रहे हैं हर एक पेट्रोल पंप पे लोगों को बैंकिंग सुविधाएं भी मिलनी शुरू हो जाए। तो करीब 80% आरओस जो रिटेल आउटलेट कहते हैं हम, वहां पे बैंकिंग सुविधाएं मिलनी शुरू हो गई है। हम कोशिश करेंगे कि अगले एक साल में जितने बाकी बचे हुए आरओस हैं सारे भारत पेट्रोलियम के पंप पे बैंकिंग सेवाएं भी मिले साथ साथ है। फिर इंटीग्रेटेड डिवाइस, इसमें हम कार्ड स्वाइप करके या शॉर्ट में इंसर्ट करके वी कैन वर्क एज अ एटीएम, दिस इज कंप्लीट एटीएम मशीन, जो आपका गल्ला है दुकान का उसके साथ में ये मिलके एटीएम मशीन हो जाती है। भाई के मांगे थोड़ा मांगे।